राजधानी दिल्ली में आठवें चरण के अनलॉक के बाद इस वक्त हम एक डीटीसी बस में मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 100% सीटिंग कैपेसिटी के बाद डीटीसी बसों की तस्वीर जो है पिछले दिनों के मुकाबले बदली हुई नज़र आ रही है। अब यात्री आपको हर सीट पर बैठे हुए नज़र आएंगे, उसी के साथ साथ सिविल डिफेंस की जो कर्मी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं जैसे पिछले दिनों में भी थी, और आपको उसी के साथ साथ ये भी नज़र आएगा कि कैसे सभी यात्रियों ने मास्क लगाया हुआ है और कोई भी यात्री खड़ा हुआ सफ़र करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, जिसके लिए अभी भी दिल्ली की तमाम डीटीसी बसों में जो सिविल डिफेंस कर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में जो ये रियायत है लोगों को दी गई है, उसी के साथ साथ एक तीसरी लहर का खतरा भी जो है वो मंडरा रहा है, इसीलिए जिम्मेदारी लोगों की ही बनती है कि वो तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। यहाँ पर जो तमाम यात्री सफ़र कर रहे हैं उनसे भी एक बारी बात कर लेते हैं कि सरकार के इस कदम से उनको कितना फ़ायदा हुआ। सर, क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अनिल जी, ये बताइए, आज जब 100% सीटिंग कैपेसिटी कर दी है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बस स्टैंडों पे बहुत राहत मिल रही है, पब्लिक बहुत परेशान थी। हाँ। दो सवारी से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, दो सवारी होनी ही चाहिए थी। तो आप कह रहे हैं कि बस स्टॉप्स पर भीड़ जो पहले देखने को मिल रही थी वो कम हो गई? हाँ जी, कुछ कम हो गई है। हाँ। हालांकि बसें कुछ और चला देनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। बाकी पब्लिक कम हो गई है स्टैंड पे। बसों में सर जैसे भीड़ होने का खतरा भी जो है वो बना रहता है, तो उससे आपको डर नहीं है कि मान लीजिए बसों में भीड़ हो जाए तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाएगा? मैडम, खतरा तो हर चीज़ से, अब ड्यूटी पे ना जाएं तो भी खतरा है, बस में ना जाएं तो भी खतरा है, जाना तो पड़ेगा ही ना, या तो घर कब तक बैठेंगे, इसलिए ड्यूटी तो जाना ही है। यहाँ पर लोग जो हैं वो इस फैसले से खुश नज़र आ रहे हैं, उनका कहना है कि बस स्टॉप्स पर जो भीड़ है अब छटी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बारी हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ये चंकी महेश्वरी। महेश्वरी जी, ये बताइए कि इस फैसले से जो 100% सीटिंग कैपेसिटी कर दी है कैसा लग रहा है? इससे थोड़ा बेनिफिट मिला है, जल्दी जॉब पे पहुंच पाएंगे, बॉस की डांट खाने को कम मिलेगी। मैडम जी, मेरा तो सलूशन ये था कि जैसे कि आपने जो मार्शल बस में बैठाए हैं उस मार्शल को आप स्टैंड में बैठाइए, उससे क्या होगा पब्लिक को, एक तो भागने में दिक्कत नहीं होगी। जो बुजुर्ग औरतें, अभी पर 3-4 दिन पहले की बात है, मेरा एक वीडियो भी पोस्ट हुआ है फेसबुक पे, एक बेचारी बुजुर्ग औरत थी अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी, बहुत देर से खड़ी हुई थी, बच्चा भी गिर गया लेकिन सीट नहीं मिली पाई उसको। आपको सर निजी तौर पर किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है बस स्टॉप पर? बस स्टॉप पर यही परेशानी होनी पड़ती है, जो पहले से बंदा खड़ा है उसको सीट नहीं मिल पाती है, उसको बस नहीं मिल पाती है, जो बाद में आते हैं जो यंग होता है वो उसको सीट तुरंत मिल जाती है। कि ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं बस स्टॉप्स पर नहीं होता है, उसकी वजह से जो बस में चढ़ने वाले लोग हैं उनमें धक्का मुक्की हो जाती है। आप हमारे भारत में देखिए, महाराष्ट्र है, केरल है, बेंगलोर है, उधर कितनी सुविधा है स्टैंडों पे, पब्लिक आएगी लाइन से चढ़ती है सवारी। हमारे यहाँ दिल्ली में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो पहले आ जाएगा जिसमें यंग होगा वो चढ़ जाता है। जी नजराना जी, ये बताइए कि आज जब 100% सीटिंग कैपेसिटी हो गई है तो किस तरह के बदलाव आपको देखने के लिए मिले? मैम, पहले से काफ़ी बेहतर है और अब सीटिंग फुल चल रही है तो रोड पर भी लोग, मतलब उनमें सहूलियत मिल रही है चलने की, तो इसीलिए। तो अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और इस सब का पालन क्या थोड़ी मुश्किल हो रही है आपको कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से आप उनको? मैं उन्हें बोल रही हूँ कि अगर जितनी सवारी हमें चाहिए उतने आ रहे हैं, वो आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही अब। तो आपको किस तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं आज जब 100% सीटिंग कैपेसिटी कर दी गई है, तो आप लोगों को किस तरह की गाइडलाइंस? 40 सवारी लेनी है, इससे अदर हमें एक भी फालतू नहीं लेना है, ओनली सीटिंग। जी, देखिए यहाँ पर जो सिविल डिफेंस कर्मी हमारे साथ मौजूद थी उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि जितने लोग बस में बैठ सकते हैं सिर्फ उन्हें ही चढ़ने की अनुमति है, और इस बस की भी कुछ वैसी ही तस्वीरें इस वक्त आपको नज़र आ रही होंगी। और हम भी जब बस में चढ़े थे तो हमें भी यात्री मानकर जो बस के कंडक्टर हैं उन्होंने हमें कहा कि उतर जाइए क्योंकि बस में जगह नहीं है, सीटिंग कैपेसिटी पूरी फुल है। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो कोरोना के मामले कम ज़रूर हो गए हैं, लेकिन तीसरी लहर एक सच्चाई बनकर जो है वो पनप सकती है आने वाले समय में, और जब ऐसे में लोगों को रियायतें दी जा रही हैं तो लोगों की ही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन वो करें, और ऐसी तस्वीरें राजधानी दिल्ली की इस बस से सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ सुरभि का KBP न्यूज़ दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।